नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार मीणा बीए फाइनल की विश्व इतिहास की क्लास में कस्तूरी देवी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, कल हमने जो है टॉपिक हमारा था पुनर्जागरण काल। हम अब तक देखिए जो है बीए फाइनल की जो क्लास है उसमें विश्व इतिहास का जो हमारा पेपर है, सेकंड पेपर है, वो हम रीड कर रहे हैं। और मैंने अभी तक आपको जो सेकंड पे हमारा विश्व इतिहास का पर आपका प्रश्न पत्र है उसमें पुनर्जागरण काल, उसमें हमने कौन सा टॉपिक रीड कर लिया है, पुनर्जागरण काल। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया था कि जो इस विश्व इतिहास का जो पहला लेसन है हमारा, वो इस पूरे विश्व इतिहास की नींव है, पुनर्जागरण काल। तो पुनर्जागरण काल मैं समझता हूँ आप सभी को अच्छे से आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है धर्म सुधार आंदोलन। देखिए, धर्म सुधार आंदोलन ये शब्द, ये जो नाम है आपने बहुत बार सुना होगा, आप छठी क्लास से धर्म सुधार आंदोलन पढ़ते रहे हैं। लेकिन ये धर्म सुधार भारत का धार्मिक सुधार आंदोलन नहीं है, ये विश्व इतिहास का धर्म सुधार आंदोलन है, यूरोप का धर्म सुधार आंदोलन है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये भारत के सुधार आंदोलन से कितना सामंजस्य रखता है, कितनी समानता रखती है। देखिए, जो धर्म है वो आस्था का विषय है। मनुष्य ने जो है अपने जो सामाजिक धार्मिक जीवन को और सामाजिक जीवन में एक संतुलन बनाने के लिए एक धर्म की परिकल्पना की। और धर्म की परिकल्पना क्यों की मनुष्य ने धर्म की परिकल्पना इसलिए की कि वो एक अपना जो है आस्थापूर्ण और सात्विक जीवन जो है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रहते जीवन जी सके, ताकि उसके जीवन का एक बैलेंस बना रखे, वो नैतिकता के कदम से अनैतिक कार्यों की ओर ना हो, वो नैतिकता के पथ पर चलता हुआ अपने जीवन को साकार करे। और वह एक ईश्वरीय जो उसकी आस्था जिस ईश्वर में बनी रहती है, उस ईश्वर की वह पूजा या तपस्या जो भी है वो करता रहे। लेकिन मैंने एक बात आपको बताई कि धर्म में धीरे धीरे, जैसे कि हमारे, अगर मैं बात करता हूँ, हमारा धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था, बिल्कुल धर्म सुधार आंदोलन भारत में भी हुआ था। और भारत में क्यों हुआ था धर्म सुधार आंदोलन, देखो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। और मनुष्य उस समाज के एक ऐसे समाज की रचना करता है, एक सामाजिक बंधन की रचना करता है, और उस समाज में जीवन के लिए कुछ ऐसे नियम कायदों की रचना करता है जिससे वह उन नियम और कायदों में जकड़ा रहे और वो आराम से अपना एक व्यवस्थित जीवन जी सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो धर्म सुधार, ये जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, ये धार्मिक व्यक्ति क्या करते हैं, अपने तुच्छ स्वार्थों के चलते धर्म में अत्यधिक विसंगतियां आ जाती है। धर्म में जब जब अत्यधिक विसंगतियां आई है तो धर्म को सुधार की जरूरत पड़ी है। और यह सुधार किसने किया है, जैसे मैं अगर बात करूं तो हमारे अगर भारतीय समाज की मैं बात करता हूँ तो धर्म सुधार आंदोलन की दृष्टि से अगर हम सब भारतीय समाज में जैसे ऋग्वेदिक काल के उत्तर वैदिक काल को हम देखते हैं तो हमारे धर्म में अत्यधिक, जैसे कि फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था, अत्यधिक जटिलताएं आई, यज्ञवाद का बढ़ावा दिया, तो उसको किसने दूर किया, महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के जो है महात्मा बुद्ध। और धीरे धीरे इस गति में आगे चला। अगर हम मध्यकालीन भारतीय बात करते हैं तो मध्यकाल में भी धर्म सुधार हुआ, जिसमें हमें नानक, कबीर, रैदास, धन्ना और अनेक ऐसे भक्ति संत हुए जिन्होंने क्या नाम से धर्म सुधार की बात की। आधुनिक काल की हम बात करें तो धर्म और समाज के क्षेत्र में सुधार हुए, उनमें हमारे विवेकानंद जी थे, जे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, राजा राम मोहन राय थे, आदि सभी ने धार्मिक धर्म और समाज में सुधार के कार्य किए। तो अब यदि मैं अगर धर्म सुधार आंदोलन यूरोप की बात करता हूं तो ये यूरोप की बात करता हूं तो ये धर्म सुधार आंदोलन क्या था। देखिए, हम पढ़ चुके हैं पुनर्जागरण, तो मैंने आपको बताया था कि यूरोप का जो मानव था वो 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक अत्यंत ही जो है संक्रमण के काल से गुजर रहा था और वह धार्मिक रूप से अत्यंत ही आडंबरपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। ऐसी स्थिति में उसे एक पुनर्जागरण ने एक नवीन चेतना का संचार किया। नवीन चेतना के संचार से उसके अंदर बुद्धि का विकास हुआ। अब वह प्रत्येक चीज को तर्क और बुद्धि की कसौटी पर उतारने लगा। अब जब तर्क और बुद्धि का विकास होगा तो सबसे पहले
पहले वो किसका करेगा, जो जिस चीज से वो झगड़ा हुआ है, और चारों तरफ से वो किससे झगड़ा हुआ था, धर्म से झगड़ा हुआ था, और धर्म धार्मिक रूप से झगड़ा हुआ था, तो उसने सबसे पहले तर्क और बुद्धि पे किसको किसको लिया, पोप के, पोप या चर्च को लिया। और जब उसने देखा कि जो चर्च है उसने मनुष्य को, यूरोप के मनुष्य को, मानव को चारों ओर से बिना वजह, बिना किसी कारण के झगड़ा हुआ है, और ये जो उसने धार्मिक रूल्स और रेगुलेशंस लगाए हुए हैं, जो भी धार्मिक उसने बंधन लगाए हुए हैं, वो मनुष्य के लिए बिल्कुल ही स्वाभाविक नहीं है, और मनुष्य उन बंधनों के कारण प्रगति नहीं कर पा रहा। अतः ऐसी स्थिति में एक धर्म सुधार आंदोलन हुआ, जिसके अंतर्गत चर्च की नैतिकता को ताक में, चर्च की नैतिकता के सुधार की बात कही गई, पादरी के जो है विलासिता को की बात की गई, पादरी का विलासितापूर्ण जीवन, अनैतिक आचरण, व्यभिचार, इसको खत्म करने की बात की गई, और जितने भी धार्मिक धर्म सुधार जो व्यक्ति हुए थे, जिन्होंने धर्म सुधार किया था, उन्होंने धर्म को एक आस्था का विषय माना, धर्म को राजनीति से अलग करने की बात की। उन्होंने दो उद्देश्य मुख्य रूप से, इसके दो उद्देश्य रखे, एक उद्देश्य उन्होंने रखा कि धर्म को राजनीति से अलग किया जाए। इससे पहले क्या हो रहा था, मैंने आपको बताया था, यूरोप का मानव ऊपर शासक था और ऊपर चर्च था और नीचे शासक था, ये दोनों समुदाय मिलके क्या धार्मिक धर्म का बंधन तो किसने लगा रखा था, चर्च ने लगा रखा था, और करों का बंधन किसने लगा था, शासक ने लगा रखा था, और जीवन किनका खराब हो रहा था, आम मानव का। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने दो उद्देश्य रखे कि चर्च को आडंबरपूर्ण व्यभिचार और आस्तिक जीवन से मुक्त करना, और दूसरा जो धर्म था उसको राजनीति से मुक्त करना। तो देखिए इसको कुछ शब्दों में पिरोते हैं हम, तो इसको कुछ शब्दों में लिख लीजिएगा आप, मैं लिखवाता हूँ आपको, मैं समझता हूँ चीज़ को क्लियर होगी होगी, मेरे साथ साथ चलिएगा, हम बहुत आसानी से वर्ल्ड हिस्ट्री को क्लियर कर लेंगे। तो इसमें आगे लिखिएगा, टॉपिक का नाम डाल लीजिएगा धर्म सुधार आंदोलन, टॉपिक का नाम डालिएगा धर्म सुधार आंदोलन, इसमें लिखिएगा पुनर्जागरणकालीन यूरोप, पुनर्जागरणकालीन यूरोप का समाज, पुनर्जागरणकालीन यूरोप का समाज पूर्णतः चर्च के, पूर्णतः चर्च और धर्म से नियंत्रित था, पूर्णतः चर्च और धर्म से नियंत्रित था, पूर्णतः चर्च और धर्म से नियंत्रित था। ऐसी स्थिति में वह स्वतंत्र जीवन यापन करने को बाधित था, ऐसी स्थिति में वह स्वतंत्र रूप से जीवन जीने को बाधित था, और जीवन का कोई भी कार्य चर्च के बाहर संभव नहीं था, चर्च का संगठित, रोम से लेकर, चर्च का संगठन तंत्र रोम से लेकर यूरोप के छोटे छोटे गांवों तक फैला हुआ था, और वह मनुष्य को, राजा से लेकर रंग तक, किसी को भी नहीं अपने से स्वतंत्र नहीं किए हुए था, ऐसी स्थिति में पुनर्जागरण की नवीन चेतना का उदय हुआ, इस नवीन चेतना ने यूरोप के मानव को, वैज्ञानिक पथ पर चलने के लिए बाध्य किया,
वैज्ञानिक पथ पर चलने के लिए बाध्य किया और वह अब प्रत्येक कार्य को तर्क और बुद्धि की कसौटी पे उतारने लगा और वह अब प्रत्येक कार्य को तर्क और बुद्धि की कसौटी पे उतारने लगा तर्क और बुद्धि की कसौटी पे उतारने लगा जिसके चलते चर्च की धार्मिक मान्यताएं डगमगाने लगी और इसी समय छापे खाने की खोज और स्थानीय भाषाओं के विकास ने और इसी समय छापे खाने की खोज और स्थानीय भाषाओं के विकास ने विद्वान लेखकों को अपने प्रबुद्ध विचारों को व्यक्त करने की गति प्रदान की अपने प्रबुद्ध और प्रगतिशील विचारों को प्रकट करने की गति प्रदान की। ऐसी स्थिति में यूरोप का मानव अब विचारों की क्रांति से प्रेरित होकर धर्म सुधार के मार्ग पर चल पड़ा। अब वह मानववादी साहित्यकारों के माध्यम से प्रचलित रूढ़िवादी मान्यताओं पर प्रहार करने लगा। बौद्धिक चेतना से उत्पन्न नवीन विचारधारा ने अंधविश्वास और कुप्रथाओं की नींव को जड़ से हिला दिया और यूरोप का मानव अब अपने धर्म में सुधार की ओर चल पड़ा। अब हेडिंग डालिएगा, इतिहासकार सेबाइन ने धर्म सुधार आंदोलन के बारे में लिखते हुए अपने मत व्यक्त किए हैं। जो सेबाइन है ये विश्व इतिहासकार है, तो सेबाइन देखते हैं क्या कहता है। सेबाइन के अनुसार धर्म सुधार आंदोलन ने इन्वर्टेड कॉमास में लिखेगा सर्वव्यापी चर्च के एकाधिकार पर आक्रमण किया। सेबाइन के अनुसार धर्म सुधार आंदोलन ने सर्वव्यापी चर्च के एकाधिकार पर आक्रमण किया जो मध्य युग की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक था यह महान धार्मिक उफान केवल आने वाले धार्मिक परिवर्तनों की गवाही नहीं था। अपितु
एक युग के अपितु एक युग के प्रातः काल की घोषणा करने वाला भी था, अपितु एक युग के प्रातः काल की घोषणा करने वाला भी था। देखिए कोटेशन लिख लीजिए फिर मैं समझाता हूं क्या है। देखिए ये कहना चाह रहा है कि जो सेबाइन कहना चाह रहा है कि धर्म सुधार आंदोलन है उसने चर्च पर ही आक्रमण नहीं किया बल्कि उसने एक नए युग, भाई सीधी सी बात है, जो 14वीं शताब्दी से पहले 14वीं या 16वीं ये जो हमारा धर्म सुधार आंदोलन है वो 16वीं शताब्दी है और 14वीं से 16वीं शताब्दी मैंने बताया पुनर्जागरण काल का काल था और इससे पहले जो था चर्च का एकाधिकार था, चर्च का पूर्णतः एकाधिकार था समाज पर, धर्म पर, सब प्रत्येक चीज पर, मनुष्य के प्रत्येक अंग पर चर्च का पूर्णतः अधिकार था। अब वह यह कह रहा है, सेबाइन यह कह रहा है कि अब मनुष्य तर्क की कसौटी पर बातों को स्वीकार करने लगा और ऐसी स्थिति में अब चर्च पर आक्रमण हुआ, चर्च के वे जो विश्वास थे उनको तोड़ा गया, अंधविश्वासों को तोड़ा गया और यह एक कोई सामान्य घटना नहीं थी, यह क्या था, एक नवीन युग का प्रातःकाल था, नवीन युग का प्रातःकाल था। ऐसे ही सेबाइन हो गया, डेविस इतिहासकार डेविस का मानना है कि इतिहासकार डेविस का मानना है कि धर्म सुधार आंदोलन पुनर्जागरण के निकट रूप से संबंधित था। वह महान धार्मिक आंदोलन है। डेविस का कहना है इन्वर्टेड कॉमाज में, धर्म सुधार पुनर्जागरण के निकट रूप से संबंधित वह महान धार्मिक आंदोलन है जो कि धर्म सुधार के नाम से विख्यात है, तो डेविस कहता है कि जो धर्म सुधार आंदोलन है वो किसके पुनर्जागरण के अत्यधिक निकट है। पुनर्जागरण में जो परिवर्तन हुए थे वही परिवर्तन धर्म सुधार में भी हुए थे, वही बातें धर्म सुधार में भी कही गई और यह किससे संबंधित है, पुनर्जागरण और उसमें निकट का संबंध है। इसी प्रकार से आगे वार्नर और मार्टिन कहते हैं, वार्नर और मार्टिन भी इसी प्रकार से आगे कहते हैं, लिखिएगा वार्नर और मार्टिन भी इसी प्रकार से कहते हैं इन्वर्टेड कॉमाज में लिखिएगा, धर्म सुधार आंदोलन पोप की सांसारिकता। वार्नर और मार्टिन के अनुसार इन्वर्टेड कॉमाज में धर्म सुधार आंदोलन पोप की सांसारिकता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध नैतिक विद्रोह था। और भ्रष्टाचार के विरुद्ध क्या था, नैतिक विद्रोह था। तो वार्नर और मार्टिन क्या कहते हैं, वार्नर और मार्टिन कहते हैं कि धर्म सुधार जो आंदोलन है वो जो पोप होता है, पोप कौन होता है, पोप हाँ यहाँ एक हम बात कहेंगे, पोप शाह आपने नाम सुना होगा, पोप कौन होता है, पोप पादरी, यहाँ ये बताना जरूरी है। पोप देखिए, पोप तो जो होता है ईसाई धर्मगुरु होता है, ईसाई जगत का सर्वोच्च धर्मगुरु कौन होता है, पोप होता है। और पादरी कौन होता है, पादरी एक चर्च का जो पुजारी हमारे यहाँ मंदिर का पुजारी होता है, ऐसे पादरी एक पर्टिकुलर जो चर्च का वो होता है वो कौन होता है, पादरी होता है। तो आगे लिखिएगा, वार्नर और मार्टिन क्या कहते हैं कि धर्म सुधार जो आंदोलन है वो पोप के व्यभिचार और अनैतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक विद्रोह था। एक क्या था, नैतिक विद्रोह था। तो पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, सारांश धर्म सुधार आंदोलन से अभिप्राय कैथोलिक चर्च में व्याप्त बुराइयों को दूर करना और मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित
मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित पोप के एकाधिकार को समाप्त करना और उसके अधिकारों को सीमित करना था। तो अब हेडिंग डालिएगा, धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुखतः दो उद्देश्य थे। पहला, धर्म सुधार आंदोलन का पहला मुख्य उद्देश्य यह था कि वह धर्म को राजनीति से पृथक करना चाहता था। तो धर्म सुधार जो आंदोलन था, इसका पहला मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? धर्म सुधार आंदोलन का पहला मुख्य उद्देश्य हो गया कि वह धर्म को राजनीति से पृथक करना चाहता था। और दूसरा प्रमुख उद्देश्य पोप की सांसारिकता और विलासिता को सीमित करना या उसको नियंत्रित करना था। और उसका दूसरा प्रमुख उद्देश्य, पोप जो था ईसाई जगत का महान गुरु था, धर्म गुरु था, और वह अब पोप की सांसारिकता, विलासिता, अनैतिकता, व्यभिचार आदि सभी को नियंत्रित करना चाहता था और वह एक सात्विक जीवन यापन करने पर जोर दे रहा था। तो देखिए, ये हमने धर्म सुधार आंदोलन के बारे में बात की है, उसको समझा है क्या है धर्म सुधार आंदोलन। यूरोप का जो धर्म सुधार आंदोलन है और हमारा जो भारतीय समाज का, हमारा भारत का है, इनमें किसी में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। ये भी सामाजिक एक अपने समाज में व्याप्त कुरीतियाँ थी, जो व्यभिचार था, रूढ़िवादिता थी, उसको ख़त्म करना चाह रहे थे। और हमारे यहाँ पर भी सामाजिक जो बंधन थे, समाज के द्वारा जो कुरीतियाँ स्टार्ट की गई थी, समाज के द्वारा हमने जो जितने भी क्या नाम से जो रूढ़िवादी प्रथाओं को चलाया था, उनको हमारे यहाँ जो जितने भी धर्मगुरु हुए हैं, जितने भी धार्मिक जो संत धार्मिक संत हुए, उन्होंने सुधार किया। ऐसा ही कार्य यहाँ के कैथोलिकों ने किया, यहाँ के जो धार्मिक सुधार जो लोग हुए थे, जो व्यक्ति हुए थे, उन्होंने किया। और आगे हम कल जो है इसमें आगे चलेंगे और यह देखेंगे कि धर्म सुधार के आखिर ऐसे क्या कारण रहे। तो देखिए, धर्म सुधार की मैंने आपको बात की, धर्म सुधार के कारणों पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। पहला जो इसका कारण बनता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो धर्म सुधार आंदोलन है वह क्यों स्टार्ट हुआ था, तो इसका पहला सबसे प्रमुख कारण हो जाएगा पुनर्जागरण काल। पहला क्या कारण हो जाएगा? पुनर्जागरण। मैंने आपको बताया था कि पुनर्जागरण के कारण यूरोप के मनुष्य में सामंजस्य हुआ, और तर्क की कसौटी पे वो प्रत्येक चीज को, प्रत्येक जो है उसके जो बौद्धिक ज्ञान है, उसको वह विचार को कसौटी पे उतारने लगा। और धीरे धीरे उसके अंतर्मन में यह भावना ग्रस्त होने लगी कि जो हमारा धर्म है वह हमें न केवल बेवकूफ़ बना रहा है, न केवल हम उसके बंधनों में बंधे हुए हैं, अपितु हम हमारे जो वर्तमान जीवन है, इही लोक की परिकल्पना के चक्कर में हम हमारा वर्तमान जीवन को नष्ट करे जा रहे हैं। और मैंने बताया था कि पुनर्जागरण का प्रमुख वो क्या था? मानववाद उसका प्रमुख था। और मानववाद क्या कहता था? कि वर्तमान जीवन को ही सुधारो। जबकि पोप क्या कह रहा है, चर्च क्या कह रहा है? इहलोक को, परलोक को सुधारो, इस वर्तमान जीवन को नहीं, न सुधार के हम मृत्यु के बाद के जीवन को सुधारें। तो इस पर हम कल परिचर्चा करेंगे, तो इसको हम कल टॉपिक को आगे चलाएंगे। तो धर्म सुधार आंदोलन के कारणों को आप रीड करके आइएगा, और मैं समझता हूँ कि हमारा ये जो एक प्रयास आप सभी को जोड़ने का है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, बहुत स्लो आराम से चल रहे हैं हम, कोई विशेष ज़्यादा तेज़ गति नहीं पकड़ रहा हूँ मैं। और आप सभी ने, मैं समझता हूँ कि जो है विश्व इतिहास की बुक्स वगैरह ले ली होगी, और उसके साथ मैंने एक मैप की बात कही थी, तो कि मैं समझता हूँ सारे विद्यार्थी मेरी बात को फॉलो कर रहे होंगे। देखिए, ये विश्व इतिहास का मामला है, विश्व इतिहास का आपके फाइनल ईयर का जो आपका सिलेबस है वह सिलेबस सबसे ज़्यादा लंबा है।
समझ रहे हैं बात को, सबसे ज़्यादा लंबा है, इसमें हमें भारत का इतिहास भी पढ़ना है और विश्व का इतिहास भी पढ़ना है। तो मेरे साथ रहिएगा, हम आराम से चलेंगे और मैं समझता हूँ आप सभी ने जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, जुड़े रहिए और कल हम इस टॉपिक पे आगे चर्चा करते हैं। थैंक यू। अरे भाई।